తెలంగాణలో ధాన్యం సేకరణపై లోక్సభలో టిఆర్ఎస్ సభ్యులు నిరసనకు దిగారు. ఆహార ధాన్యాల సేకరణలో నిర్దిష్టమైన జాతీయ విధానం తేవాలని ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాలకు కేంద్రం అన్యాయం చేస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నేతలు. టిఆర్ఎస్ సభ్యుల నినాదాలతో లోక్సభ దద్దరిల్లింది. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सकते. मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से कि आज तक यानी 72 जो प्रपोजल महाराष्ट्र से आए तो उसमें से कार्यान्वित कितने हुए? साथ साथ में मैंगो ग्रेप और फिशिंग यूनिट में ऐसे कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट आपने मंजूर किए उसकी जानकारी आप दे सकते हैं क्या? जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी कि ये इंडस्ट्री बिजनेस की बात करेगी क्या क्या उनको ले सकती है क्या माननीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संपदा पोर्टल पर समय समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति ईओआई को माध्यम से प्रस्तावित किया. मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब तक 16-17 के बाद कितने प्रस्ताव आपके पास आए उसकी जानकारी महाराष्ट्र के हाथ तक मिले. महत्वपूर्ण योजना है लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 वर्ष में पूरे देश में 2358 प्रोजेक्ट आए और उसमें महाराष्ट्र के सिर्फ 72 है. मेगा फूड पार्क जो योजना थी वो पूरी तरह से असफल हुई, इसलिए हम लोगों ने मांग की थी कि मेगा फूड के जगह पे जो मीडियम फूड पार्क प्रोसेसिंग यूनिट है उसे मंजूरी दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सकते. मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय जी से कि आज तक यानी 72 जो प्रपोजल महाराष्ट्र से आए तो उसमें से कार्यान्वित कितने हुए? साथ साथ में मैंगो ग्रेप और फिशिंग यूनिट में ऐसे कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट आपने मंजूर किए उसकी जानकारी आप दे सकते हैं क्या? जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी कि ये इंडस्ट्री बिजनेस की बात करेगी क्या क्या उनको ले सकती है क्या माननीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संपदा पोर्टल पर समय समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति ईओआई को माध्यम से प्रस्तावित किया. मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब तक 16-17 के बाद कितने प्रस्ताव आपके पास आए उसकी जानकारी महाराष्ट्र के हाथ तक मिली. महत्वपूर्ण योजना है लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 वर्ष में पूरे देश में 2358 प्रोजेक्ट आए और उस...